ओम शांति। 6 जून 2024, साकार मुरली। आज की मुरली में भगवान शिव बाबा अपने खुशबूदार फूलों प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप बागवान है, इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं। अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता, उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आँखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नज़र भी नहीं जा पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। धारणा के लिए मुख्या सार है, नंबर 1, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है, बंधनों से मुक्त हो, होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, मेरी वृत्ति शुद्ध है, आँखें धोखा तो नहीं देती, अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, खामियां निकालनी हैं। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने वरदान दिया, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। विस्तार, स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कभी थोड़ा भी दे अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो सदा निरअहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।